पंख ने यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दिया जोनाथन को, रेड टीम में जोनाथन है, पंख को अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे दिया। पिस्टल पे स्विच करेंगे, एमओ खत्म हो जाए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। 5 मिनट के अंदर डिसाइड होगा अगर टाई होता है जिसके सबसे ज्यादा किल हुए तो, और यहाँ हेलमेट और वेस्ट लेकर आएंगे। रैंप के ऊपर चढ़ते कि नहीं वो देखना होगा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने, काफी ज्यादा डैमेज दोनों ही ले चुके, दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ डैमेज लिया। अब देखना ये होगा कि कौन पहले एक दूसरे को गोली मारता है। और यहाँ पे पंख कमिंग अप विद 3, बट जो भी अभी तक वोट नहीं किया है, पोल नहीं किया है, चैट के अंदर पोल कर दो। हमने एक क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों से, वो क्वेश्चन का जवाब दे। भी थोड़े समझदार है वो, थोड़े लेट आए। एंड यहाँ पे दोनों के बीच में मिड फाइट हो सकती है, दोनों एक दूसरे के सामने आए, जिगल वाली फाइट हुई। पंख ने अच्छा खासा डैमेज लिया, बट यहाँ पे जोनाथन 1 HP पे किल हुई। पे चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से जोनाथन पुश करने की कोशिश करेंगे, पंख यहाँ पे जिगल फायर दे काफी कॉन्फिडेंटली आगे तक पुश किए। रैंप के ऊपर जोनाथन चढ़ेंगे जो कि उनकी फेवरेट पोजीशन है, काफी लोग किया है, दोनों 1 HP पे है, पुशिंग करने की कोशिश करेंगे। जोनाथन अच्छा खासा प्रीफायर दिया, जंप शॉट लेने की कोशिश पंख के द्वारा, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को भाप लिए है, बट जोनाथन तो पंख यू आर ऑन द क्लॉक। यहाँ पे स्मूथली, वेरी स्मूथली यहाँ पे जोनाथन को घर, एंड दोनों ही आपस में एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है। पंख के पीओवी भी चलेंगे, क्लोज इन किया, पुश करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। एंड जो जोनाथन है काफी ज्यादा डैमेज दिए गन्स, पंख यहाँ पे मिड वेयरहाउस आ चुके हैं, वही मिड वेयरहाउस जोनाथन होल्ड करके बैठे थे, बाहर निकलेंगे। पंख वहां पे अंदर फंस सके, अंदर फंसे थे बट बाहर निकले, मूवमेंट में डॉच किया जोनाथन को एंड ओवरकम किया जोनाथन के ये जिगल को। लेट गए, रैम के ऊपर फिर से चढ़े, एब्सोल्युटली अमेजिंग रिफ्लेक्ट, मूव करने की कोशिश करेंगे। जोनाथन यहाँ पे फिर से अंदर गए, लो है पंख, बट पंख यहाँ, ओ पंख, पंख ये है भी क्योंकि लीड कवर करनी है तो हर एक पॉइंट यहाँ पे अब जरूरी है। जोनाथन सीमेंट स्लैब के पास जिस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं काफी ज्यादा बेहतरीन, बट पंख भी और पूरी वेस्ट उनकी उड़ा दी। समय अब उनके पास ज्यादा नहीं है तो उनको लीड कवर करनी है। जोनाथन को अच्छा खासा डैमेज दिया, जंप किया गलत तरीके से, उनकी जंप हो गई, गन स्विच करेंगे जोनाथन और पंख भी, बट पंख दोनों प्लेयर्स के बीच में कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है कि सच में लग रहा है कि यही फाइनल्स है भाई मेरे। पंख कमिंग अप विद एन ऑसम कमबैक ऑन जोनाथन, फिर से अपने आप को नेट करेंगे, रीडेंगे वो जोनाथन को, पर देखना ये होगा कि ओ बॉय, ओ बॉय, जोनाथन कमिंग अप, पंक आप इस तरीके से यहाँ पे जोनाथन थोड़ा मूव इन करते हुए, पंक दोनों आमने सामने एक दूसरे के, देखना ये होगा पंक कमिंग विद द जिगल बट फेल किए। 3 मिनट का समय बचा और इजी है अगर वो ठान ले तो, बट हाँ हार्ड भी है क्योंकि जोनाथन भी सामने है, जोनाथन बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते, अपने आप को नेट से मारेंगे, हेलमेट चुके हैं। एंड पंख यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दिए जोनाथन को, जोनाथन पर फ्री फायर में पंख को अच्छा खासा लेते हुए, एंड पंख का गजब का जंप एंड प्रोन शॉट आता, कौन जीतेगा यार। पंख के पास अभी भी कमबैक का मौका है एंड वो 3 इन ए रो जोनाथन को पहले भी मार चुके हैं तो अभी भी मार सकते हैं, बट नहीं जोनाथन बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते। तरफ से काफी अच्छा डैमेज आता हुआ, भागेंगे जोनाथन बट भागने में नाकामयाब। एक तरीके से पंख ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि किस तरफ भागने वाले हैं जोनाथन, एंड आमने सामने एक दूसरे के कभी भी आ सकते हैं, आ चुके हैं। ये जो जिगल वाली फाइट है देखने वाली होगी, 13.2 पहुंचने वाला है, मैं खुद इस समय बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकता। पंख यहाँ पे आते हुए और ये जंप उनको भारी पड़ती हुई, वेस्ट कराया जा रहा है यहाँ पे पंख का। पंख यहाँ पे मुझे लगता है कि अब जो उम्मीद है वो जा चुकी है और हमारे सामने हमारा विजेता दिख रहा है आप लोगों को, बट पंख भी पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश करते हुए अच्छा प्रोन शॉट लेने की कोशिश, एक पॉइंट भी कवर करना नहीं देना चाहते यहाँ पे पंख। एक पॉइंट एंड में ले तो लेंगे बट टीम बेस्ट टूर्नामेंट के विजेता हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने आ चुके हैं एंड वो है जोनाथन। कैसा लगा? बहुत मजा है यार, मजा भाई इतने बड़े प्लेयर के साथ अगेंस्ट में,
हालांकि थोड़ा बहुत पैनिक हुआ लेकिन मजे बहुत आए यार, एक बार एक दो बार मारने के बाद। पर कुछ भी बोलो, काफी ज्यादा क्लोज था, काफी क्लोज था डूड। एट वन पॉइंट जब तूने 7-11 का स्कोर कर दिया था ना, तो मैं बोला अभी यहाँ से तो कमबैक हो गया है भाई। बहुत ओपी था, बहुत ओपी था, बहुत ज्यादा क्लोज था। एंड तुम दोनों ने कंपटीशन को, फाइनल को ऐसा बना दिया जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल हो। बहुत ओपी था, मजा आया दोस्त। एंड आई एम रियली सॉरी कि आप विन नहीं कर पाए। अरे नहीं, मेरे को मजे आए टूर्नामेंट में, बट थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट पंग भाई। हाँ थैंक यू सो मच भाई, आपने इनवाइट किया। ओ डूड नो वरी, सीजन 3 में जीतते क्या फिर? हाँ पूरी ट्राई करूंगा अगली बार। ओके भाई, ओके भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ब्रदर।